इंदौर में विजयनगर पुलिस ने अवैध रूप से सीमा पार कराकर देश विदेश में युवतियों से देह व्यापार कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के कब्जे से पुलिस ने 13 युवतियों को मुक्त कराया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल है। देखिए एमबी न्यूज की एक स्पेशल रिपोर्ट। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के नेतृत्व में इंदौर पुलिस ने एक और संगठित अपराध का पर्दाफाश किया है। दरअसल इंदौर की विजयनगर पुलिस ने शुक्रवार को अवैध रूप से सीमा पार कराकर युवतियों से अनैतिक कार्य कराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिला आरोपी है। ये गरीब युवतियों से काम का लालच देकर देश विदेश में अनैतिक कार्य करवा रही थी। गैंग के कब्जे से 13 युवतियां मुक्त कराई गई है। इनमें से कई नाबालिग भी हैं। इनमें से 4 युवतियों को आरोपियों ने होटल के एक कमरे में बंद कर रखा था। ये 10 आरोपी मुख्य कुछ उसमें इंदौर के हैं, कुछ आसपास के इलाकों के हैं, जो कि इंदौर में ही रहते हैं। इनका एक बड़ा स्थानीय नेटवर्क है, जिसके माध्यम से इस तरह का ये व्यापार करते हैं। पुलिस ने अंततः इनके इस पूरे व्यापार को और गिरोह को तोड़ने में सफलता हासिल की है। इसमें पूरे मामले में पूरी टीम को इसमें 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एडिशनल एसपी ईस्ट, उसमें सीएसपी विजयनगर और टीआई विजयनगर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी पूरी टीम ने अलग अलग मुद्दों पर टीम गठित करके इसमें कार्रवाई की है। आगे की कार्रवाई के लिए इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इसमें 2-3 टीमें गठित की जा रही हैं, जो कि बड़े स्तर पर इसकी पूरी व्यापक विवेचना करेगी। और साथ ही साथ कुछ अन्य एजेंसियों को भी इसकी सूचना जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास किसी तरह का वैध वीज़ा परमिट नहीं है, इसलिए वो किस तरीके से यहाँ पर आई, किस तरीके से उन्हें लाया गया, उन मुद्दों पर भी डिटेल्स में बात करने के लिए, उस पर विवेचना करने के लिए, उसके तह तक जाने के लिए अलग से टीम गठित की गई है। दरअसल 21 सितंबर को विजयनगर पुलिस को मुंबई को 2 मॉडल ने शिकायत की थी कि उन्हें काम के बहाने मुंबई से इंदौर कुछ युवकों ने बुलाकर बाणगंगा इलाके के एक फ्लैट में रखकर बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाए हैं। साथ ही युवतियों ने बताया कि उनका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे 1.5 लाख रुपए भी लिए गए थे। मॉडल युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पूरे मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और फ्लैट पर जाकर आरोपी नवीन, कुलदीप, राजेंद्र और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों से चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र में एक 2 महिलाओं ने शिकायत की कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनका दैहिक शोषण किया गया है, उनका शारीरिक उत्पीड़न किया गया है। इस तरह की एक शिकायतें दी गई, जिसको तत्काल पुलिस ने तस्दीक किया और पाया कि घटना सही है। उनकी शिकायत के आधार पर थाना विजयनगर में मारपीट के साथ साथ 376 और एक्सटॉर्शन का भी मुकदमा उसमें कायम किया गया। इसमें पाया गया कि दोनों महिलाएं अलग अलग शहरों से थी, एक कलकत्ता से और एक मुंबई से आना यहां पर बताया गया। उस पूरे मामले के जो तथ्य थे थोड़े से स्पष्ट नहीं थे। मुख्तार जो आरोपियों से जुड़े जो मुद्दे थे उसके बारे में पुलिस ने और विस्तार से जब तस्दीक करना शुरू किया तो उसकी कई अलग अलग परतें सामने आने लगी। उसमें पुलिस ने जब आगे विवेचना की है तो उसमें कई नए तथ्य सामने आए हैं और अंततः पुलिस को जानकारी मिली कि इससे यह एक पूरा गैंग है, जो कि एक बड़े स्तर पर काम करता है। यह मुख्यतः सोशल मीडिया, कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस और उसके आधार पर न सिर्फ स्थानीय स्तर पर यहाँ पर महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार में ढकेलता है, बल्कि दूसरे देशों से, मुख्यतौर पर बांग्लादेश से कई नाबालिग बच्चियों और कई महिलाओं को ला करके इस व्यापार में उतार देता है।
इस पूरे मामले पर जब पुलिस ने जांच की तो इसमें 13 लोगों को इससे मुक्त कराया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस ने एक लफुड़िया थाना क्षेत्र में और प्रकरण कायम किया है, जिसमें 372 आईपीसी में अलग से प्रकरण कायम किया गया है। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की गई है और इसका उद्देश्य है कि इस तरह के पूरे गिरोह का अंत भंडाफोड़ हो, उसके सभी लोगों तक पुलिस पहुंचे, इस पूरे गैंग का पूरी तरीके से भंडाफोड़ किया जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो। बताया जा रहा है कि गिरोह की नज़र महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार पर थी। उसने कम शिक्षित और गरीब लड़कियों को टारगेट कर इंदौर में बड़ा काम दिलवाने का लालच देकर यहां बुलाया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उनके तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं और गिरोह में और कितने लोग काम करते हैं। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।